चलो दोस्तों, आज हम इस पे एशियन क्रेटिक्स की पुट्टी पर एक डिज़ाइन डालने वाले हैं, जिस पे हम डिज़ाइन डालेंगे, एक वुडन टाइप का डिज़ाइन डालेंगे। अभी हम इसको पुट्टी को लगा रहे हैं, जैसे ही थोड़ा सा टाइट हो जाएगी, हम किसी एक ऐसे टूल से इस पे डिज़ाइन डालेंगे, जैसे कोई पेचकस ले लिया या कोई लकड़ी वगैरह ले ली। तो दोस्तों माफ़ कर रहा, हमने इस डिज़ाइन को किस तरीका से कटिंग की थी वो वीडियो हमारी क्लिप निकल चुकी है, इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। हमने इस टूल को, मतलब लकड़ी वगैरह हो या कोई पेचकस वगैरह, हमने इसको इस बारीकाई से जो डिज़ाइन डालना था हमें, उसको हमने ऐसे ऐसे क्रॉस करके निकाल दिया उस पुट्टी को, और इस तरीका से वो डिज़ाइन निकल के आया है। हम आपको दिखाते हैं, लेकिन वो वीडियो डिलीट होगी शायद हमसे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आप अगर आपको कोई और डिज़ाइन पसंद आता है, उसको आप अपने इस तरह से डाल सकते हैं। अब हम इसके बाद में, जैसे पट्टी सूख जाती है, उसके बाद में हम इस पर ब्लैक कलर का एपेक्स डालेंगे। तो दोस्तों अभी भी इस पे ब्लैक कैपेक्स डाल दिया है, अब हम इसको सूखने देंगे। सूखने के बाद में हम इसको कॉपर मेटेलिक से शेड डालेंगे, जिसपे एक वुडेड वाला डिज़ाइन निकल कर आएगा, अभी आपको दिखाएंगे। अभी अभी हमने ब्लैक कैपेक्स डाला है, जिसको कंप्लीट किया है, अब इसको हम सूखने देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, हम कॉपर मेटेलिक को किस तरीक़ा से कलर को यूज़ कर रहे हैं। ऐसे धीरे धीरे शेडिंग डालनी है इस पर, जिसपे एक शेडिंग डालने के बाद में एक वुडेड कलर का डिज़ाइन आपको दिखने लगेगा, जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। इसको हमने एक रूम में बॉर्डर के रूप में दिया है, जो बहुत ही यूनिक लग रहा है। आपको कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हमने शेड डालने के बाद में इसको सूखने दिया, और सूखने के बाद में अब हम इस पर टच वुड यूज़ कर रहे हैं, जिसपे इसकी शाइनिंग बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं भाइयों कि टच वुड मारने के बाद में ये डिज़ाइन कैसे शाइन कर रहा है।